आज बनाएंगे इस मौसम का राजा भुट्टा एक नई और यूनिक तरीके से, जो शायद ही आपने कभी इस तरीके से बना के ट्राई करा होगा। ये भुट्टा बनाने का तरीका बेहद ही ज़्यादा यूनिक और मज़ेदार है। इतनी अच्छे तरीके से भुट्टा सिक्के तैयार होता है। आप अगर एक बार इस रेसिपी को बना लेंगे, आपको बार बार इस मौसम में भुट्टा खाने का मन कर जाएगा। दोस्तों, इस रेसिपी के लिए हमने लगभग 2 भुट्टे ले लेने हैं और एकदम पके हुए बढ़िया तैयार भुट्टे होने चाहिए और एकदम फ्रेश होने चाहिए। ये नहीं कि 10-15 दिन पुराने हों। इन भुट्टों को आप फटाफट से छील लीजिए। एकदम फ्रेश आपको ग्रीनीनेस दिख रही है कि कितने फ्रेश भुट्टा हमने आज निकाला है। तो इस भुट्टे को आपको रखना है और इस भुट्टे को फटाफट से छील लेने हैं। दोनों के दोनों भुट्टे एकदम फ्रेश हैं और अभी आपको दिखेगा कि इसके जो कॉर्न्स वाले ग्रेन्स हैं, येलो कलर कितना डीप अच्छा कलर दिख रहा है। बस ऐसे ही आपको दोनों के दोनों भुट्टे छील के तैयार कर लेने हैं, जैसे हमने कर लिए हैं। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, इन दोनों भुट्टों को नीचे से अच्छे से पूरा का पूरा छीलने के बाद मैं इनको 2 पीसीज में करने वाला हूँ। अभी कुछ छिलके की कसर रह गई थी, इन्हें भी अच्छे से उतार लेता हूँ। मैं आपको पहले इसकी फ्रेशनेस दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब फटाफट से मैं इन दोनों के दोनों जो भुट्टे हैं, इनको आधे आधे और टुकड़ों में काटने वाला हूँ, क्योंकि ये जो भुट्टा है हमारा बेहद ही ज़्यादा लंबा और फ्रेश है, और इतना बड़ा भुट्टा तो जिस तरीके से हम करने वाले हैं शायद आएगा नहीं, इसलिए हमने इसको 2 टुकड़ों में फटाफट कर लेना है। लेकिन उससे पहले मैं एक यूनिक सा मिश्रण बना के तैयार करने वाला हूँ, जिसमें एक कटोरी ले रहे हैं हम और इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, और देसी घी के साथ इसमें डालने वाले हम थोड़े से स्पाइसेस, जैसे कि हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा काला नमक, जो भी आपको पसंद आ रहा हो मसालों में आप वो चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे, लेकिन आपके लिए पूरी चॉइस है और ऑप्शनल है। काला नमक और चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इसका। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, इन भुट्टों को जैसे मैंने बताया था बीच में से हाफ ऑफ कर लेना है। तो फटाफट से हम इन भुट्टों को हाफ ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद जो अभी हमने मिश्रण तैयार करा है उसका इस्तेमाल करना हम शुरू करेंगे। तो जो भुट्टा है वो हमने एक तो हाफ कर दिया है, तो चलिए झटपट दूसरे वाला भुट्टा भी हाफ कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो हमने मिश्रण तैयार करा है उसकी झटपट कोटिंग लगानी शुरू करते हैं। तो इनको चारों को साइड में करते हैं, बीच में वो कोटिंग का सामान ले आते हैं देसी घी से जो और मसालों से हमने बनाया, और एक एक बढ़िया बढ़िया कोटिंग इन तीनों पे कर देते हैं। हम 3 ही भुट्टों पे कोटिंग कर रहे हैं और चौथे को एक अलग स्टाइल से बना के दिखाएंगे आपको, ताकि आपको 2 तरीके इस वीडियो में पता चल सकें। तो फटाफट से इन 3 भुट्टों को तो हम कोटिंग कर देते हैं इस घी और मसाले की, और चौथा ऐसे का ऐसा ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन भुट्टों को एक फॉइल में अच्छे से प्रॉपरली रैप कर देंगे। तो चलिए फॉइल्स भी ले आते हैं और इनको फटाफट से रैप करना भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि तीनों पे अच्छे से मसाला लग चुका है। तो आपको तीनों को ऐसे अच्छे से रैप कर लेना है। दोस्तों, उसके बाद हम एक कढ़ाई में इन्हें आज पकाने वाले हैं, और जो चौथा बच जाएगा उसको एक अलग तरीके से पकाने वाले हैं, तो वो भी हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये तीनों के तीनों भुट्टे बस झटपट से रैप कर लेते हैं। ये हो गए दूसरा रैप, और अब शुरू करते हैं तीसरे रैप को। ये लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये तीनों के तीनों अच्छे से भुट्टे रैप हो गए हैं। तो अब भर लेते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ फटाफट से, क्योंकि कढ़ाई में इन भुट्टों को अब हमने सेक लेना है। कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक पकाने के लिए। दोस्तों, मैं नमक ये हमेशा अलग से ही रखता हूँ, इन पकाने के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ। और इसमें हमारे तीनों के तीनों भुट्टे डाल देता हूँ मैं, और उसके बाद दोस्तों हल्का सा सिकने देता हूँ, और उसके बाद इसको ढक के भी पकाऊँगा और घुमा घुमा के भी पकाऊँगा। तो चलिए फटाफट से इसको ढकता हूँ लगभग 3-4 मिनट के लिए, और फिर इसे दूसरी साइड से सेक लूँगा। तो देखते हैं अब स्टीम कितनी अच्छी बन चुकी है। अभी इसकी साइड को पलटने के लिए इसको हटाते हैं दोस्तों, और इनको भी घुमा लेते हैं। देखिए, ये भुट्टा एक तरफ से तो अच्छे से सिक के तैयार है, अब दूसरी तरफ से भी सिक जाए इसलिए हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली, चिमटे की मदद से इसे घुमा लिया है। ऐसे ही आपको करते रहना है भुट्टों को लगभग 3-4 बार, 4-5 बार, जब तक आपका भुट्टा अच्छे से सिक के तैयार नहीं हो जाता। क्योंकि जब तक भुट्टा अच्छे से सिकेगा नहीं, ये छल्ली अच्छे से सिकेगी नहीं, हमें मज़ा नहीं आने वाला है। तो चलिए एक बार फिर से इसे बदल लेते हैं, साइड को ऐसे ही गोल गोल घुमाते रहें, रोटेट करते रहें, हर तरफ से पकाते रहें, क्योंकि यही मेन एसेंस है इस रेसिपी का। तो चलिए दोस्तों, ऐसी मैं इसको 3-4 बार घुमा चुका हूँ, इसका वेट कर रहा हूँ अच्छे से। इसको पकाने के लिए मैंने
लगभग इसे 5 से 10 मिनट और भी दे दिए हैं और अब देख लेते हैं इसको निकाल के कि क्या स्टेटस है। लगता है मुझे अब ये भुट्टा ठीक ठाक पक चुका है। थोड़ी सी साइड और घुमा लेंगे और उसके बाद झटपट इनको बाहर निकाल लेंगे। हल्का सा एक बार मैं फाइनली इसे ढक के और पकाने वाला हूँ ताकि कहीं से अगर कोई कमी रह गई हो तो वहाँ भी इसको अच्छे से पका दें। तो चलिए दोस्तों इसको हटा लेते हैं ढक्कन को और हमारे जो भुट्टे हैं वो लगभग सिक्के तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हल्का ठंडा होने की वेट कर लेते हैं। और जो चौथा भुट्टा हमने संभाल के रखा था उसका भी एक आपको यूनिक तरीका बता देते हैं। उस चौथे भुट्टे को पकाने के लिए हम क्या करेंगे, गैस पे एक स्टैंड रखते हैं और ऐसे ही डायरेक्ट पका लेते हैं। ये भी झटपट बढ़िया से पक के तैयार हो जाएगा। देखिए ये हमारा चौथा टुकड़ा भी हमने ऐसे ही कोटिंग करके अच्छे से इसको घुमा लेंगे चिमटे की मदद से। यहाँ पे ये बहुत ही जल्दी पक्के तैयार हो जाता है। और उसमें जो हमने पहले तरीका करा उसमें थोड़ी सी एक अलग सी प्रिपरेशन है, अलग सा स्वाद आता है। इसका स्वाद थोड़ा अलग है, उसका स्वाद थोड़ा यूनिक है। बस इसको भी आप ऐसे अच्छे से पका सकते हैं। लगता है वो भुट्टे भी थोड़े से ठंडे हो गए होंगे तो झटपट इसे पकाने के बाद उन्हें खोलने चलते हैं। तो एक तरीका आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये भी अगर आपको पसंद हो, आपकी पर्सनल चॉइस है, जो चॉइस आपको पसंद हो उसे फॉलो कर लीजिए। और हम अब फटाफट से वो भुट्टे भी खोल लेते हैं और उनकी भी देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है पकने का। तो इस गैस को कर लेते हैं बंद और ये जो स्वादिष्ट भुट्टा है अब बन के हो चुका है लगभग तैयार। और इसके बाद हम इसके ऊपर एक लेमन की कोटिंग भी करने वाले हैं जो हम आगे इस वीडियो में करके दिखाने वाले हैं आपको। अब दोस्तों फटाफट से चलते हैं उन 3 भुट्टों की ओर जो हमने सेके थे और उन्हें भी फटाफट से अनरैप कर लेते हैं, खोल लेते हैं। और फिर ये सारे के सारे भुट्टे, मेरे को खाने का इंतज़ार नहीं हो रहा है दोस्तों, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मन कर रहा है बस इन्हें खा जाऊं। लेकिन इनके ऊपर मैं एक लेमन की ज़बरदस्त कोटिंग करने वाला हूं जिससे इसके स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये हमारा भुट्टा बहुत ही बढ़िया से सिक्के तैयार हो चुका है और अब फटाफट से झटपट से आपको जैसे ही पसंद हो वैसे खा लीजिए। आपका भुट्टा अगर सिल्वर फॉइल में अच्छे से पका ना हो तो उसे गैस पे भी पका सकते हैं आप, क्योंकि इसकी जो मेन एसेंस थी थोड़ी देर सेक के नमक में आ ही गई होगी। तो आप उसके बाद इसे गैस पे भी थोड़ी सी देर पका सकते हैं चाहे तो। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है, नींबू रगड़ा और बस फटाफट से गप करके खा लिया। तो चलिए दोस्तों मेरे से वेट नहीं हो रहा है, मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख इसे देख के, मैं तो इसे गप करके खाने वाला हूँ। तो आप भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर